इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए। इस्लाम अगर कुछ अच्छा ही किसी धर्म में या किसी मजहब में है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली फैल जाती है भाई, समझ रहे हैं? उसको रोकने की मम्मी कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? और फैलाने वाले मैं नहीं भाई, फैलाने वाला पता है कौन है? फैलाने वाला सोशल मीडिया, सबसे पहला तो सोशल मीडिया है भाई, समझ रहे हैं? कि सोशल मीडिया क्या करता है मम्मी, समझ रहे हैं? अब मेरे से किसी ने कहा कि इस्लाम बहुत गंदा है, ठीक है, मेरे से तो बोल दिया मम्मी कि इस्लाम बहुत गंदा है, और चलो मैं ऐसे तो मानूंगा नहीं कि मैं इस्लाम गंदा है, मेरे दिमाग में कहीं ये रहेगा ही कि चलो इस्लाम गंदा है तो देखता हूँ इस्लाम में लिखा क्या है, ऐसी क्या चीज लिखी है क्यों। तो ऐसे लोग जब इस्लाम को गलत बोलते हैं तो जो जिससे वो गलत बोलते हैं वो जाकर चेक करता है इस्लाम को, चेक मतलब उनकी किताबें पढ़ता है, कुरान को पढ़ता है, बहुत सारी चीजें देखता है, तो अब उसे वो अच्छी लगती है, समझ रहे हैं? हाँ, उसे उसे तो अपने भी सुनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं आती हाँ उसमें। हाँ उसे वो चीजें अच्छी लगती हैं, और लगने के बाद अब वो इस्लाम की तरफ चला जाता है, तो भाई इसमें हमारी क्या गारंटी है, समझ रहे हैं? अब मैं हिंदू हूं भाई, मुझे इस्लाम अच्छा लगता है, इसमें दूसरे का क्या दोष है, समझ रहे हैं? ये मेरी थिंकिंग है कि हाँ इस्लाम मुझे पसंद है, कि मैं इस्लाम में आना चाहता हूँ या नहीं आना चाहता हूँ, ये मेरी सोच है, समझ रहे हैं? ये पर मैं तो उन लोगों की कह रहा हूँ कि इस्लाम फैल कैसे रहा है, इस्लाम फैलाने वाले इस्लाम के दुश्मन ही हैं, समझ रहे हैं? तीसरी जगह से कोई इस्लाम नहीं फैला रहा है भाई, समझ रहे हैं? इस्लाम की दुश्मन ही इस्लाम फैला रहे हैं, और इस्लाम की जो अच्छी बातें हैं जो लोगों से छुपाई जाती हैं वो लोगों को जब सामने दिखती हैं तो इस्लाम की तरफ चले जाते हैं भाई, समझ रहे हैं? अब जैसे किसी ने बोल दिया भाई कि हिजाब हिजाब गलत है मम्मी, ठीक है, अब जैसे बोल दिया, जैसे वो नहीं ढकते तो पता है ना हिजाब क्या होता है, वो काल मतलब काला बुरका, बुरका बुरका बोलते हैं ना जिसको पूरा ढकते चलती है ब्रखा मुस्लिम बहनें वगैरह, उस बुरके में मम्मी ये सोच के देखो कि पूरी इज्जत बची रहती है भाई, समझ रहे हैं? सिर्फ आंखें दिखती है, कोई की गंदी नजर नहीं पड़ती, समझ रहे हैं? बहुत सारी चीजें होती है। अब बहुत सारे लोग छोटे छोटे कपड़े भी पहनते हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ तक के कपड़े पहनते हैं, समझ रहे हैं? अब वो लोग जब कपड़े पहनते हैं, अब किसी लड़की को कपड़े पहना दो जिसका कोई बोलते ना क्या ही बोलू उन कपड़ों के बारे में, बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े पहन लिए किसी लड़की ने, उसे शुरू से वही पहनाया गया, वो अचानक हिजाब देख रही है, जब वो हिजाब से अपने आप को ढक रही है तो पहली बार में उसे फील हो रहा है कि नहीं यार मैं पहली बार औरत देख रही हूँ, अपनी इज्जत को ढक रही हूँ, तो वो हिजाब की तरफ अपने आप आकर्षित होगी, समझ रहे हैं? जो उसे पहली बार ये लग रहा है कि नहीं मैं एक औरत हूं, औरत वाला उसका रूप लग रहा है मम्मी, समझ रहे हैं? सही बात। तो हिजाब जब तुमने तो उसे निगेटिव बताया कि नहीं हिजाब गलत है, पर उसकी थिंकिंग क्या बन गई, हिजाब को देखकर अच्छी बन गई तो वो इस्लाम में आ गई, समझ रहे हैं? तो भाई इस्लाम को लोग जानकर इस्लाम में जा रहे हैं, समझ रहे हो? ऐसा कोई अंधा नहीं है कि नहीं आंख बंद करके इस्लाम में चला जाए, ऐसा है मम्मी? ऐसा कुछ नहीं, अपनी मर्जी का है सब। अपनी मर्जी से है कि वो जानते हैं समझते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी को पढ़ा दिया भाई तुम इस्लाम में चले जाओ तुम्हें 20 लाख रुपए मिलेंगे, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, ऐसा नहीं है भाई। लोग जान रहे हैं समझ रहे हैं उसके बाद इस्लाम के अंदर एंट्री ले रहे हैं भाई, समझ रहे हैं? क्योंकि इस्लाम के अंदर मेरे को इतना पता है कि इतने टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, इस्लाम के अंदर कोई ऐसी गलत बात नहीं लिखी, कोई ऐसा लड़ाने झगड़ाने वाला काम नहीं है, और जो बोला भी जाता है कि इस आयत में ये लिखा है उस आयत में ये लिखा है, तो भाई नॉर्मल सी बात है, मैंने सारी आयतों को चेक करा, उसमें यही लिखा है भाई कि अगर कोई हम पे हमको हमला कर रहा है तो हम रिप्लाई में तो जवाब देंगे ना भाई, समझ रहे हैं? तो ये चीजें इस्लाम के अंदर लिखी हैं, और तोड़ मरोड़ के मम्मी लोग प्रस्तुत कर देते हैं, जब मैं गलत बोलूंगा तो मेरे बोलने पर लोग और पढ़ेंगे इस्लाम को, और पढ़ेंगे तो और लोग इस्लाम की तरफ खींचेंगे, जो अच्छाई है उसको कितना भी ढक लो वो नहीं ढकती भाई, वो सही तो बात। खुलती है। इस्लाम या कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, किसी में भी कोई अच्छी चीज है तो वो लोगों तक पहुंचेगी, रोकने से बोलते ना स्प्रिंग होती है ना स्प्रिंग, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा, समझ रहे हैं? ऐसे इस्लाम है, इस्लाम को जितना ढकोगे उतना ही बढ़ता जाएगा।